गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम पिछली क्लास में हमने वेब ब्राउजर के बारे में पढ़ा, उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए, विभिन्न प्रकार के वेब ब्राउजर आपको मार्केट में मिलते हैं। मार्केट मतलब आपके उसमें है, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग जो वेब ब्राउजर उपयोग करते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, गूगल क्रोम, या आपका गूगल क्रोम है, देखिए माइक्रोसॉफ्ट एज, नेटस्केप नेविगेटर, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, सफारी, मैक्सट्रॉम, ये आपके मेन कुछ वेब ब्राउजर हैं जिसको हम लोग उपयोग अधिकतर करते हैं। देखिए, हमने अभी गूगल क्रोम में हम लोग अधिकतर इस्तेमाल किया है। ये आपका क्या है, गूगल क्रोम है, देख रहे हैं। अब इसको समझ करने से पहले हम समझते हैं, जो वेब ब्राउजर बताया पिछली कल मैंने आपको बताया था www, वर्ल्ड वाइड वेब, ये क्या होता है। देखिए, www डॉक्यूमेंट्स का एक ग्रुप होता है, समूह होता है, जो हमसे जो आपस में एक दूसरे से हाइपर टेक्स्ट से जुड़े होते हैं। देखिए, हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट, इमेज, वॉइस आदि का क्या होता, सम्मिलित रूप होता है। www इंटरनेट की क्या है, एक आपकी सेवा है, क्या है, सर्विस है। www का प्रयोग सबसे पहले टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में एक कैम प्रयोगशाला में किया था। यह आपका इंटरनेट पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आपके सिलेबस में है थोड़ा सा, जो और इसका जो विस्तृत आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में आप लोग इंटरनेट पढ़ेंगे, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब में सूचनाओं को वेबसाइट के रूप में रखा जाता है। ये वेबसाइट वेब सर्वर पर हाइपर टेक्स्ट फाइलों के रूप में स्टोर होती है। वर्ल्ड वाइड वेब एक प्रणाली है जिसके द्वारा प्रत्येक वेबसाइट को एक विशेष के नाम दिया जाता है, जिसके माध्यम से हम उस वेब को क्या कहते हैं, पहचानते हैं कि आपकी किस प्रकार की वेबसाइट है, ठीक है। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब का आपस में गहरा संबंध होता है, ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब जानकारियों का भंडार होता है जो लिंक के रूप में होता है। देखिए, दरअसल एक ऐसी टेक्निक है जिसके कारण वर्ल्ड मतलब संसार भर के कंप्यूटर एक दूसरे से क्या होते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब HTML, HTTP वेब सर्वर और वेब ब्राउजर पर वर्क करता है। अभी हमने आपको बताया था किसी वेबसाइट के नाम को उसके URL कहा जाता है, जैसे क्या हुआ, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जब हम किसी वेबसाइट को खोलना चाहते हैं तो ब्राउजर प्रोग्राम के पते वाले बॉक्स में, यहाँ पर एड्रेस बार है, यहाँ पर क्या है, एड्रेस बार है, यहाँ पे हम उसको URL लिखते हैं। जैसे हमको मान लो गूगल आपकी वेबसाइट खोलना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, www.google.com, ये आपका URL हुआ, और एंटर कर लेंगे, क्योंकि आपकी ये गूगल फॉर्म आपका ये ओपन हो गया, देख रहे हैं ये। देखिए, इस नाम की सहायता से ब्राउजर प्रोग्राम सर्वर पर पहुंचता है, जिसे आपको मैंने कल बताया, वहां फाइल या वेबसाइट पर स्टोर की जाती है, जिससे वेब पेज प्राप्त करने के बाद कंप्यूटर पर ला देता है। जैसे आपका जो ओपन हुआ है क्या, आपका वेब पेज, ठीक है, उस सूचना को ब्राउजर प्रोग्राम मॉनिटर की स्क्रीन पर प्रदर्शित कर देता है। उस वेबसाइट पर कई हाइपरलिंक भी होते हैं, ठीक है, प्रत्येक हाइपरलिंक किसी अन्य वेब पेज या वेबसाइट को URL बताता है।
इस लिंक को क्लिक करने से ब्राउजर उसी वेब पेज या वेबसाइट तक पहुंचकर उसे ओपन कर देता है। जैसे आप ये देखिए वेब, ये हमने इस पे क्लिक करेंगे आपका हिंदी फॉन्ट आ जाएगा, या यहाँ पे कुछ सर्च करना है तो आप इसको सर्च कर सकते हैं। इसे वर्ल्ड वाइड वेब के कुछ फीचर्स होते हैं, विशेषताएं होती हैं, जैसे हाइपर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्रॉस प्लेटफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, ओपन स्टैंडर्ड एंड ओपन सोर्स। अब हम देखिए, आप हाइपर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, वेब पेज के डॉक्यूमेंट्स के विभिन्न पार्ट्स होते हैं, जैसे टेक्स्ट, ग्राफिक, साउंड, ऑब्जेक्ट, सभी जो आपके पार्ट्स हैं आपस में क्या होते हैं, आपस में लिंक होते हैं, कनेक्ट होते हैं, और इनको जोड़ने के लिए हाइपर टेक्स्ट का उपयोग किया जाता है। HTTP हाइपर टेक्स्ट, आपके HTTP आपका क्या प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है, WWW में वेबसाइट पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, सभी वेबसाइट में अलग से इंफॉर्मेशन होती है, बहुत सी वेबसाइट ऐसी होती है जो दूसरे वेबसाइट से जुड़ी होती है, यूजर एक वेबसाइट खोलकर उससे दूसरी वेबसाइट से जुड़ता है। इस प्रणाली को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहते हैं। जब एक वेबसाइट खोलकर किसी दूसरे वेबसाइट से जुड़ा जाता है तो इस कार्य प्रणाली को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बोला जाता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या होता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म का अर्थ होता है कि जब वेब पेज या वेबसाइट को किसी भी कंप्यूटर हार्डवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य कर सकता है। ग्राफिक्स इंटरफेस आप लोग जानते ही हैं, वर्तमान में सभी और वेबसाइट में टेक्स्ट के अलावा वीडियो, वॉइस आदि का समावेश होता है। हाइपर टेक्स्ट सुविधा से इंफॉर्मेशन को आसानी से हम लोग देख सकते हैं या वेब पेज से जोड़ सकते हैं। डायनेमिक वेबसाइट मेनू, कमांड बटन आदि का यूज किया जाता है, इस कार्य करने में क्या होता है, आसानी होती है। अब जो आपके यूआरएल होता है, इसमें तीन नाम होते हैं, जो इसमें फाइल का एड्रेस होता है यूआरएल, जिसे पता है, इसके तीन भाग होते हैं। पहला आपका प्रोटोकॉल होता है, HTTP लिखा रहता है, फिर दूसरा आपका डोमेन नेम होता है, तीसरा आपका क्या होता है, पाथ होता है। ओके, जैसे हमने कोई वेबसाइट लिखी WWW करके, उससे पहले HTTP लग जाता है, वो आपका क्या होता है, प्रोटोकॉल होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। WWW आपका सब डोमेन हो गया। फिर जैसे हमने गूगल लिखा, गूगल आपका क्या है, डोमेन नेम हुआ। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, ये देखिए क्लिक किया, आपको वेबसाइट ये लिखा है HTTPS, ये आपका क्या हुआ, प्रोटोकॉल हुआ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर के लिए प्रोटोकॉल होता है जो किसी भी वेबसाइट में हमेशा लग रहता है। फिर WWW क्या है, आपका सब डोमेन हो गया, वर्ल्ड वाइड वेब। WWW आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, वर्ल्ड वाइड वेब। डॉट गूगल आपका क्या हुआ, डोमेन नेम हुआ। अब डॉट कॉम आपका क्या हुआ, टॉप लेवल डोमेन नेम हुआ, जिससे हम लोग पहचानते हैं कि आपकी किस प्रकार की वेबसाइट है। अब देखिए, अब आगे हम लोग समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया HTTP जो है आपका पहला भाग आपका हुआ, HTTP ने हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसकी मदद से इंटरनेट पर डेटा आपका ट्रांसफर होता है। जो आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है ना, इसके माध्यम से ही हो रहा है, किसके माध्यम से, HTTPS के माध्यम से। दूसरा भाग आपका क्या हुआ, डोमेन नेम हुआ। डोमेन नेम पर्टिकुलर वेबसाइट का आपका क्या होता है, पता होता है। जैसे हमने गूगल हुआ, गूगल यदि हमको खोलना है, आपकी गूगल आपकी वेबसाइट है जिसको खोलना है, तो आपको डोमेन नेम टाइप करते हैं। WWW आपकी एक सर्विस है, याहू जैसे याहू आप खोलते हैं, या .com आपका क्या है, या आपका डोमेन नेम आपका एक्सटेंशन होता है। कॉम आपका क्या हुआ, एक एक्सटेंशन हुआ, मतलब कमर्शियल वेबसाइट है। कॉम मतलब क्या हुआ, कमर्शियल वेबसाइट। किसी किसी में कमर्शियल वेबसाइट मतलब जैसे व्यापारिक संस्था के लिए, किसी किसी में .pdb लगा होता है, आपने देखा होगा, मतलब क्या हुआ, ये एजुकेशनल वेबसाइट है। यदि किसी जैसे हमने लिखा, किसी में .in लिखा, .gov लिखा रहता है, .gov क्या हुआ, गवर्नमेंट वेबसाइट होती है, ठीक है। .mail जिसे mail लिखा होता है, ये आपका
MIL लिखा रहता है, मिलिट्री वेबसाइट होती है, .org आपने कहीं कहीं देखा होगा, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपके ये वेबसाइट के लिए संस्था के लिए बनाई जाती है। देखिए इंटरनेट पर हर वेबसाइट का एक आईपी एड्रेस होता है, यह आपका क्या है आईपी एड्रेस, जो न्यूमेरिकल होता है, जैसे www.google.com का आईपी एड्रेस क्या हुआ 64.233.167.99, यह आपका क्या हुआ आईपी एड्रेस हुआ इसका, किसका google.com का। जैसे ही हम अपने ब्राउजर पर किसी वेबसाइट का यूआरएल टाइप करते हैं तो हमारा ब्राउजर उस यूआरएल को डीएनएस की मदद से उस डोमेन के एड्रेस आईपी एड्रेस में बदल देता है, ठीक है। जब वेबसाइट तक पहुंच जाता है उसे हम सर्च की, जो हमने सर्च किया है वो आपको ओपन हो जाती है। शुरुआत में डायरेक्ट आईपी से ही वेबसाइट को एक्सेस किया जाता था, लेकिन यह एक बहुत कठिन तरीका होता था। जैसे हमको आईपी एड्रेस से खोलना है तो हमको काफी समस्या, जैसे हमने अभी आपको क्या बताया कि आईपी एड्रेस से खोल सकते हैं, जैसे हमको खोलना है हमने लिखा 64.233.167.99, ये किया इंटर किया, देखिए गूगल आपको ओपन हो जाएगा, ये देखिए सेम प्रोसेस है। लेकिन ये हमको याद रखने में समस्या होती थी, तो हम इसमें क्या हुआ, इसलिए आपको ये डीएनएस आपको दे दिया गया, मीन्स डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस मतलब क्या हुआ डोमेन नेम सिस्टम, जो हमने google.com लिखा, www.google.com लिखा, ये आपका क्या हुआ डोमेन नेम सिस्टम हो गया, डीएनएस हो गया, जिसकी सहायता से हम बड़ी आसानी से वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी में एक आता है सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या है, देखिए वेबसाइट में सर्च इंजन एक अत्यधिक लोकप्रिय और सुविधाजनक प्रोग्राम होता है। सर्च इंजन एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर उपलब्ध इंफॉर्मेशन में से किसी एक विशेष सूचना को सर्च करके हमारी स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। जैसे किसी संस्था, कंपनी, कॉलेज, विश्वविद्यालय के बारे में हमको कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सर्च टूल का प्रयोग करते हैं, तथा इनमें से इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे कुछ सर्च करना है, जैसे आपको माखन लाल के बारे में देखना है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, ये किया, ये क्लिक कर दिया, सर्च इंजन क्या किया पूरा आपको सर्च करके यहाँ से सर्च कर दिया इसमें, ओके। हमने क्या किया गूगल के माध्यम से कोई इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। देखिए यह सभी सर्च इंजन काफी लोकप्रिय हैं, जैसे गूगल आपका क्या है आपका एक सर्च इंजन है, और भी बहुत सर्च इंजन है, जैसे याहू हो गया, हॉटस्पॉट हो गया, डॉग फाइल हो गया, ये आपके क्या है सर्च इंजन है। गूगल आपका क्या है सर्च इंजन है, हमको कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करने से कहते गूगल में सर्च कर लो कहते हैं, इसी प्रकार से गूगल आपका क्या है सर्च इंजन है। देखिए यह सभी सर्च इंजन काफी लोकप्रिय है, इनमें से सबसे अधिक लोकप्रिय की जनरल कौन सा हम लोग यूज करते हैं, गूगल यूज करते हैं हमेशा, अधिकतर जो हम लोग कुछ भी मैटर आपको सर्च करना कहाँ पे क्या बोलते हैं गूगल में सर्च कर लेते हैं। गूगल में सभी सूचनाओं को सर्च करने के लिए एक प्रोसेस होती है, सिस्टम बैक में जाते हैं, प्रोसेस क्या है, सबसे पहले हम गूगल को ओपन करते हैं, हमने यहाँ से डब्ल्यू करके गूगल ओपन कर लिया, इसके पश्चात वेबसाइट को होम पेज पर आपकी स्क्रीन आ गया, ठीक है। गूगल की जो सर्च बॉक्स, ये आपका क्या है सर्च बॉक्स, देखिए आपको एक ग्लास बना हुआ दिखा है लेंस से, ये आपका क्या है सर्च बॉक्स, इसमें हमको जो सर्च करना होता है वो टाइप कर देते हैं और इंटर कर देते हैं। इससे अभी हमने क्या हमने सर्च किया सदगुरु के बारे में और इंटर कर देंगे, ये देखिए ये पूरी आपने सर्च कर दिया उसने जो भी आपकी इंफॉर्मेशन चाहिए, क्लियर है। अब हम लोगों ने सुना होगा कि ऑनलाइन न्यूज़पेपर सुना है, ऑनलाइन न्यूज़पेपर क्या होता है, इसे लोगों के लिए आज के समय में समाचार पत्र या दैनिक जीवन में अहम हिस्सा बन गया है, न्यूज़पेपर पढ़ते ही है, क्योंकि देश विदेश से संबंधित सारी जानकारी हमें किसे न्यूज़पेपर से ही मिलती है,
कहाँ एक जगह पर मिल जाती हैं, चाहे वो खेल से संबंधित हो या राजनीतिक से। देखिए, न्यूज़पेपर पूरे संसार भर की खबरों का क्या होता है, संग्रह होता है। एक ऑनलाइन समाचार पर एक विशेष या समान रुचि वर्तमान घट के सब जानकारी शामिल करता है, ठीक है। अब हम इसको कैसे यूज करेंगे? देखिए, ऑनलाइन समाचार जो पत्र होते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधा उपलब्ध है। समाचार पत्र वेबसाइट, इसकी वेबसाइट है, जैसे हम कोई स्टार कोई सूचना थी, star.com डाल दिया तो पूरी आपकी इन्फॉर्मेशन आ गई, न्यूज पेपर आपके आ गए, ई पेपर आ गए। एक स्थान या राष्ट्र से खोज के लिए हम सर्च इंजन में टाइप कर देते हैं, जैसे हमको सर्च इसमें आपके गूगल में गए कोई सर्च करना है, जागरण मान लीजिए पेपर, ये देखिए दैनिक जागरण आपका पेपर ओपन हो जाएगा, ये पेपर आपका ओपन हो गया, ये आपका क्या हुआ, ऑनलाइन न्यूज पेपर हुआ। अब हुआ दैनिक जागरण लेटेस्ट न्यूज पेपर, ये आपका ओपन हो गया। देखिए, यहाँ से आप पूरी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपको गूगल जो है ये इसके माध्यम से हम न्यूज दे सकते हैं। देखिए, इसमें ऑप्शन हो गए, ये न्यूज, ये आपको गूगल आपको अलग से न्यूज प्रोवाइड कराता है, यहाँ से हम न्यूज दे सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऑनलाइन न्यूज पेपर के हम लोग यहाँ से देखते हैं। इसी प्रकार से हम लोग गूगल मैप यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? गूगल मैप। गूगल मैप क्या है? गूगल मैप एक वेब आधारित क्या है, सर्विस होती है, जो भौतिक क्षेत्रों की दुनिया भर की साइटों के बारे में आपकी जानकारी प्रदान करती है। आपके रोड हो गया, मानचित्र हो गया, कई स्थानों के हवाई उपग्रह दृश्य प्रदान करता है, शहरों के बारे में हमको मिलता है, वाहनों से भी हमको जैसे कहीं पे जाना है तो उसे गूगल मैप आपको मिलता है, वो भी आपको देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये मैप पे क्लिक करेंगे, ये देखिए, देख रहे हैं अभी कहाँ पे हम लोग हैं, वो आपकी पूरी जानकारी दे रहा है। देखिए, ये देखिए पूरे रेस्टोरेंट, पूरा आपकी जानकारी यहाँ से पूरी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए, ये आपका क्या है, गूगल मैप अधिकतर यूज किया जाता है। एक कोई मार्ग हमको खोजना है, ये देखिए यहाँ से पूरी जानकारी आपको मिलेगी, पूरा आपको बताएगा क्या है, ठीक है। एक जो आपको ड्राइवर बाइक, हम जो भी हम लोग चलाते हैं, एक दूसरे स्थान पर जाना चाहते हैं तो हम लोग गूगल मैप का प्रयोग करके जा सकते हैं। दिस गूगल मैप एप्लीकेशन प्रोग्राम वेबसाइट गूगल मैप को एक एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने की सुविधा प्रदान करता है। ये आपके मोबाइल में भी मिल जाता है, जो जिसके जीपीएस के माध्यम से ही आपके एक्टिव हम लोग करते हैं इसको, ठीक है। डेटा एक स्थान में ट्रांसफर करता है। गूगल मैप आप हमारे घर या कार्यों के बारे में देखे गए पते को सेव करना, यदि हम चाहते हैं तो इसको हम सेव कर सकते हैं, ठीक है। और यदि हम गूगल मैप पर घर ऑफिस के पते को सेव करना चाहते हैं तो करते हैं, गूगल मैप इसको ओपन कर देते हैं, ठीक है। कोने पर ये आपके टैग बने होते हैं, यहाँ से हम लोग की अपनी जानकारी सेव कर सकते हैं पूरी। देखिए, ये पूरी हम लोग लोकेशन शेयर कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं कि हमें मतलब कहाँ पे करंट लोकेशन है, ठीक है। जो भी है यहाँ से हम लोग इसको सर्च कर सकते हैं। करंट आपको लोकेशन देखना है, यहाँ पे क्लिक किया, देखिए आपकी करंट लोकेशन बता देगा आपको ये। करंट लोकेशन आपको बता देगा ये देखिए। देखा,
पूरी इंफॉर्मेशन चित्रकूट के बारे में, कहीं के भी आपको देखना है वहां से सर्च कर सकते हैं, यहाँ से अपने हिसाब से सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कर्बी के बारे में देखना है, ये हम कर्बी कर देंगे, देखिए कर्बी के बारे में पूरा आ गया ये। इस प्रकार से ये सुविधा हमारे गूगल में उपलब्ध होती है। इसी में गूगल डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाते हैं। गूगल डॉक्यूमेंट्स एक निःशुल्क वेब आधारित एप्लीकेशन होता है। क्या है गूगल डॉक्यूमेंट, इसको बंद कर देते हैं। ये देखिए बहुत सारी आपकी सुविधा यहाँ से मिल जाती है, मिनिमाइज करते हैं। ये देखिए अकाउंट अपने देख सकते हैं, आपको क्या है सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब यहाँ से, गूगल पे, न्यूज, जीमेल यहाँ से ओपन कर सकते हैं, मीट, कॉन्टैक्ट, ड्राइव, कैलेंडर, ठीक है, डीओ, फोटोज, आप लोग मोबाइल में हम लोग यूज करते ही हैं। ये देखिए ये आपका गूगल डॉक्यूमेंट है। ये इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इसमें साइन इन होना पड़ेगा। देखिए ये आपका गूगल डॉक्यूमेंट है। कौन सा है, हमने क्या ओपन किया, गूगल डॉक्यूमेंट। अब ये क्या होता है पहले इसे समझते हैं। देखिए गूगल डॉक्स एक निःशुल्क वेब आधारित एप्लीकेशन है जिससे डॉक्यूमेंट्स और स्प्रेडशीट को ऑनलाइन बनाया जाता है। यदि हमको ऑनलाइन एमएस वर्ड में काम करना बनाना है तो हम लोग गूगल डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। इसी के साथ हम इसे सुधार कर उसे सेव भी कर सकते हैं। जो भी हम एमएस वर्ड में जो भी हम करना चाहें यहाँ से टाइप करके उसको सेव कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में, सेव एट ड्राइव में सेव कर सकते हैं आपकी जो ड्राइव है। ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन के साथ किसी भी कंप्यूटर से फाइलों एक्सेस की जा सकती है। गूगल डॉक्यूमेंट्स गूगल द्वारा प्रदान किए गए जुड़े ऑनलाइन एप्लीकेशन के व्यापक पैकेज का आपका क्या होता है, एक हिस्सा होता है। गूगल डॉक डॉक्यूमेंट्स एक यूजर फॉर्मूला लिस्ट टेबल इमेज के साथ प्रेस को संयोजित करते विभिन्न फॉन्ट इसमें यूज होते हैं। जैसे हम देखिए आप, ये आपके पूरे मेनू है, आप जैसे मैंने वर्ड उसमें बताया था, इन सबका यूज करके हम उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, नई फाइल बना सकते हैं। यहाँ से जब जाएंगे फाइल में, न्यू पे क्लिक करेंगे, आपको देखिए एमएस वर्ड की फाइल चाहिए तो डॉक्यूमेंट से करेंगे, तो स्प्रेडशीट चाहिए मीन एक्सेल की फाइल चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे, एमएस वर्ड के सॉरी पावर पॉइंट की फाइल चाहिए तो प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आपकी गूगल मैप, गूगल डॉक्यूमेंट्स आपको फाइल बनाने की सुविधा दी है। स्प्रेडशीट किया तो देखिए एक्सेल की फाइल खुल जाएगी। ये देखिए देख रहे हैं, अभी हमने गए यहाँ पे न्यू प्रेजेंटेशन, तो आपकी पावर पॉइंट आपको खुल जाएगा। ये आपको गूगल आपकी परमिशन देता है, गूगल के माध्यम से हम लोग बना सकते हैं। इसको आप लोग यूज करके देखिएगा, बहुत और भी बहुत सारी गूगल आपकी सुविधा इसमें देता है। अब फिर मैं आपको अगली क्लास में ऑनलाइन टिकट कैसे बुक करते हैं, ऑनलाइन आधार कार्ड कैसे उसमें आप बुक कर सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करूंगा। चलिए आज इतना ही।